जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टिप टॉप में। तो आज की वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सामान्य विज्ञान के। यह अपनी जो क्लास आज शुरू हो चुकी है, तो सभी लोग आ जाएं यहां पर लाइव। और बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर आप एमपी जेल प्रहरी की तैयारी करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज आज ही लगाएं आप, और इससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है एमपी जेल प्रहरी की। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है, परीक्षा ऐप इंस्टॉल करना है। इसके बाद आपके लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी और आपके लिए यहाँ पर वीडियो कोर्स भी मिल जाएगा। तो आप वहाँ से इस वीडियो कोर्स को खरीद सकते हैं। आपको क्या करना है, खरीदते समय आपके लिए एक जो है क्या करना है, कूपन कोड मांगेगा। तो आपके लिए सेल्फ SC40, यह आपके लिए कूपन कोड जो है यूज करना है। तो 40% आपके लिए यहाँ पर ऑफ मिलेगा, तो यह कोड को आपके लिए ध्यान रखना है, सेल्फ SC40। और यहाँ पर डेमो टेस्ट है, पहले आप डेमो टेस्ट लगा कर देख सकते हैं, फिर उसके बाद आप टेस्ट सीरीज भी खरीद सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ पर आपके लिए जो है तैयारी हो सकती है आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आज ही आप परीक्षा इंस्टॉल करें और सेल्फ SC40 कोड, जो कूपन कोड है, इसको यूज अवश्य करें। तो आप ही इसमें आपके लिए रैंक भी पता चल जाएगी कि आपकी क्या रैंक यहाँ पर लगती है। तो आप जरूर इस ऐप को डाउनलोड करें और सेल्फ SC40 कूपन कोड यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो, और सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर लें, और वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुंची। अभी जो 3:20 वाली वो क्लास है वह अभी नहीं लग रही है, तो अभी जो है वो क्लास अभी बंद है। सर की जो थोड़ी सी अभी स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, तो लगने लगेगी अभी एक दो दिन बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना यह फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो चार विकल्प है आपके सामने, सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। क्या है इसका राइट आंसर, चार विकल्प है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में किस में मिलता है, खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में, प्राकृतिक तत्व में, या कोई नहीं। तो सभी लोग आंसर बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर है, प्राकृतिक तत्व। प्राकृतिक तत्व आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर सी। यहाँ पर देखिए, वे पदार्थ या तत्व वे पदार्थ हैं जो किसी भी प्रकार से दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थ में विभाजित नहीं किए जा सकते। तो यह आपके लिए याद रखना है, और ना ही बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, सल्फर S, तांबा CQ, चांदी Ag और सोना Au इत्यादि ये तत्व हैं। बिल्कुल सही सभी लोगों ने बताया है यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्या है अगला क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताएंगे कमेंट में। या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है, तो क्या कहलाता है यह बताना है। चार विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। क्या है इसका राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे, तत्व, यौगिक, मिश्रण या ठोस। तो चार विकल्प हैं आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर दो का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। हाँ, तो क्या है इसका राइट आंसर, तो क्वेश्चन नंबर दो का यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी। यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यहाँ पर सही आंसर होगा यौगिक। यौगिक आपका यहाँ पर सही आंसर है बी, जिन्होंने अभी बताया है उनका राइट आंसर होगा यौगिक। बिल्कुल सही यहाँ पर बी सभी लोग बता रहे हैं अधिकतर। यहाँ पर देखिए, वे यौगिक वे पदार्थ हैं जो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संवेग से संयोग से बनते हैं, तो यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताएंगे क्या है। देखिए, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, तो क्या बनता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर तीन का सभी लोग आंसर बताएंगे, निधि जी, रंजीत जी, कांति जी, दुर्गेश जी, क्या है इसका राइट आंसर। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, तो क्या बनता है यहाँ पर।
तत्व यौगिक मिश्रण या गैस। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह आपके यहाँ पर विकल्प नंबर क्या है, सी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, सी आपके यहाँ पर सही आंसर है दीपक परमार जी। सी आपके यहाँ पर मिश्रण आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, मिश्रण याद रखना है विकल्प नंबर सी। वे द्रव्य जो दो या दो से अधिक द्रव्यों से किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनती है मिश्रण कहलाती है, यह आपके लिए याद रखना है। उदाहरण के लिए जैसे चीनी तथा नमक का मिश्रण, लकड़ी के बुरादे तथा लोहे का मिश्रण इत्यादि, यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे यहाँ पर क्या कहलाते हैं। रचना जी क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं तो वह कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं वह? आदर्श धातु, उपधातु, मिश्र धातु या धातुमल। तो 4 विकल्प हैं और क्वेश्चन नंबर 4 का आपके लिए यहाँ पर आंसर बताना है, क्या है इसका राइट आंसर? तो आपके यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर क्या है, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बी आपके यहाँ पर उपधातु, उपधातु आपके यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी। उपधातु बिल्कुल सही बताया यहाँ पर, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं, याद रखना है। क्या कहते हैं? उपधातु। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? तो विद्युत की कुचालक बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग आंसर बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर, कि कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? कुचालक बताना है कौन सी है, टिन, कॉपर या लेड या निकेल। तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का यहां पर राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाँ रानी जी, तो यह अपनी रोज लगती है क्लास 4:05 पर रोज अपनी क्लास लगती है। तो कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। बिल्कुल चंदन जी, बिल्कुल सही आंसर है, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, लेड आपका यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए, सीसा या लेड एक धातु एवं तत्व है, काटने पर यह नीलिमा लिए सफेद होता है, लेकिन हवा का स्पर्श होने पर स्लेटी हो जाता है। इसे इमारतें बनाने, विद्युत कोषों, बंदूक की गोलियां और वजन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। यह शोल्डर में भी मौजूद होता है, यह सबसे घना स्थिर तत्व है, यह भी आपके लिए यहाँ पर याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है, किस धातु में धातुय चमक पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताएंगे सभी लोग, बताएंगे किस धातु, किस अधातु में, बताना है किस अधातु में धातुए चमक पाई जाती है। और टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाएं, लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की, तो टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें, पीडीएफ आपके लिए वहीं पर उपलब्ध कराई जाती है टेलीग्राम ग्रुप में। और क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, किस अधातु में धातुए चमक पाई जाती है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है क्या है, विकल्प नंबर सी। बिल्कुल सही आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी, उपरोक्त दोनों बिल्कुल सही यहाँ पर राइट आंसर होगा। उपरोक्त दोनों विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर राइट आंसर होगा, उपरोक्त दोनों, ग्रेफाइट और आयोडीन। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में कौन सी उपधातु है? तो यहाँ पर आपके लिए उपधातु बताना है, बताइए उपधातु यहाँ पर कौन सी है। 4 विकल्प है आपके सामने कि निम्न में कौन सी उपधातु है, तो सभी लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। 4 विकल्प हैं आपके सामने, तो सभी लोग बताएंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। निम्न में कौन सी उपधातु है, तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर। तो उपधातु बताना है और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर क्या होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है, डी आपका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी आपका यहाँ पर सही आंसर है, उपरोक्त सभी विकल्प नंबर डी। वे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहते हैं, यह आपके लिए याद रखना है। बोरान, सिलिकॉन या जर्मेनियम और आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम, ये 6 प्राह उपधातु कहे जाते हैं। कार्बन, एल्यूमिनियम, सेलेनियम और पोलोनियम और
पोलोनियम और स्टेटिन को भी कुछ सीमा तक उपधातु कहा जाता है, यह भी आपके लिए याद रखना है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि निम्न में से कौन सा ये यौगिक है, यौगिक बताना है, तो नितिन चौहान जी, गिरिजा जी, मुकेश पाल जी, तो सभी लोग यहाँ पर बताएंगे, पवन जी, दीपक परमार जी। तो क्या क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर राइट आंसर, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है, वायु, पारा, ओजोन या अमोनिया। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताएंगे यहाँ पर, क्या इसका राइट आंसर, तो हाँ इसका जो राइट आंसर है वह है आपका डी। डी बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही है विकास जी, डी आपका अमोनिया जो है यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, डी आपका यहाँ पर सही आंसर है अमोनिया की। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है, तो अमोनिया याद रखना है, अमोनिया। अमोनिया एक तीक्ष्ण एवं गंध वाली रंगहीन गैस है, यह हवा से हल्की होती है, यह भी आपके लिए याद रखना है, तथा इसका जो वाष्प घनत्व होता है यह 8.5 है, यह जल में अति विलेय है, और अमोनिया के जलीय घोल को जो है लेकर अमोनिया कहा जाता है, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जल एक यौगिक है क्योंकि, तो यह बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर, जल एक यौगिक है क्योंकि यह ठोस, द्रव्य और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है, या इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, या इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं, या यह रासायनिक स्थानों द्वारा दो सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प हैं और क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह विकल्प नंबर क्या होगा, सी होगा यहाँ पर राइट आंसर, विकल्प नंबर सी, जल यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व हैं, यह आपके लिए याद रखना है, विकल्प नंबर सी होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर, विकल्प नंबर सी, जल एक यौगिक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का ऑक्साइड तथा इसका रासायनिक प्रतीक H2O है, हमारे शरीर में लगभग 65% भाग जल से निर्मित है, जल जीवन के लिए अति आवश्यक घटक है तथा इसके बिना जीवन संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है, तो 4 विकल्प हैं और इसमें से आपके लिए चयन करना है कि किस पदार्थ में यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो 4 विकल्प हैं, सीमेंट, रेत, मिट्टी का तेल या कांच। तो दीपक परमार जी, क्या है इसका राइट आंसर, निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है, सीमेंट में, रेत में, मिट्टी का तेल या कांच। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, बिल्कुल सही रवि राठौर जी, बिल्कुल सही आपका राइट आंसर है, मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। केरोसिन मिट्टी का तेल एक तरल खनिज है जिसका मुख्य उपयोग दीप स्टोव एंड ट्रैक्टरों में जलाने में होता है, इस काम के लिए तेल की श्यानता कम और दमकांक ऊंचा और रंग साफ और हल्का, जलने पर दुर्गंध और धुआं देने वाले पदार्थ का अभाव रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है, तो प्रकृति में बताना है तीनों अवस्था में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएंगे, 4 विकल्प है आपके सामने। पूनम जी, क्या है इसका राइट आंसर, मुकेश जी, 4 विकल्प है आपके सामने, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है, पानी या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड या अमोनिया या सल्फर डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर बताइए क्या है इसका राइट आंसर। तो 12 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह क्या होगा, तो 12 का आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बताया यहाँ पर निधि जी ने, 12 का ए, बिल्कुल सही सभी लोग ने यहाँ पर ए बताया है, ये आपके यहाँ पर राइट आंसर है, पानी, पानी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 1, हाँ बिल्कुल सही सभी लोग बता रहे हैं, 1 आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, पानी शुद्ध जल में तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, जैसे ठोस,
अवस्था में बर्फ, द्रव अवस्था में जल और गैस अवस्था में वाप। तो इस प्रकार आपके लिए यह तीनों अवस्थाएं हो गई हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक, तो वायु क्या है यह बताना है, मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है या विलयन है। तो सभी लोग बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक, तो वायु क्या है, मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है या विलयन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग आंसर बताएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह आपका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का, तो यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं ए, तो एक आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, मिश्रण। मिश्रण बिल्कुल सही, जिन्होंने भी ए बताया यहाँ पर उनका राइट आंसर है मिश्रण। मिश्रण आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए निम्न में से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है, तो बताइए वायु, जल, पारा या सोडियम क्लोराइड। तो चार विकल्प है, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर यहाँ पर। बताइए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, निम्न में से कौन सा ना तो तत्व है यहाँ पर और ना ही यौगिक है। तो सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर और इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका यहाँ पर क्या होगा, विकल्प नंबर एक यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर एक। हाँ बिल्कुल सही, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए विकल्प नंबर एक में क्या है यहाँ पर, वायु। वायु आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर एक। वायु वस्तुतः गैसों का मिश्रण है जिसमें अनेक प्रकार की गैसें जो है इसमें होती हैं, जारक, प्रांगार या द्विजारे, नाइट्रोजन, उद्जन इत्यादि शामिल हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था है, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था है ठोस, तरल, प्लाज्मा या गैस। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताएंगे सभी लोग यहाँ पर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी लोग आंसर बताएं और वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर लें, बहुत ही कम लोगों ने वीडियो को लाइक किया है, वीडियो को लाइक कर लें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी आपके लिए, तो टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं। और पदार्थ के चतुर्थ अवस्था है तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है क्या है, विकल्प नंबर सी। यहाँ पर बहुत सारे लोग बता रहे हैं सी यहाँ पर राइट आंसर है, साबिर जी यहाँ पर सी यानी कि प्लाज्मा राइट आंसर है, प्लाज्मा आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी। प्लाज्मा के गुण ठोस, द्रव्य और गैसों के गुण से काफी विपरीत होते हैं, इसलिए इसे पदार्थ की चौथी अवस्था में जो है माना जाता है, प्लाज्मा याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक है, तो एक जो क्वेश्चन है डबल हो गया है यहाँ तक, तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्न में से कौन सा एक यौगिक है, स्टील है, पीतल है, रेत है या हीरा है। चार विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग आंसर बताएंगे। दीपक परमार जी क्या है इसका राइट आंसर, संध्या सेन जी, स्टील, पीतल, रेत या हीरा। तो यौगिक है तो कौन है यौगिक, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यौगिक है तो आपका राइट आंसर है रेत। रेत आपके यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर क्या है सी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी। यौगिक वे पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्रंजक चूर्ण क्या है, व्रंजक चूर्ण क्या है यह बताना है, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। व्रंजक चूर्ण क्या है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या अपरूप। तो क्वेश्चन नंबर 17 और चार विकल्प आपके सामने हैं, तो सभी लोग जल्दी से चयन करें एक विकल्प का यहाँ पर क्या होगा। नैना चौहान जी, सक्षम जी, एस एम तिवारी जी, तो क्या है इसका राइट आंसर, व्रंजक चूर्ण क्या है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या अपरूप है। तो आपका राइट आंसर है क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका, विकल्प नंबर कौन सा है, विकल्प नंबर आपका बी होगा यहाँ पर राइट आंसर, बिल्कुल सही,
बी आपका यहाँ पर सही आंसर है यौगिक, यौगिक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, यौगिक है। भुजंग चूर्ण क्या है? यौगिक, याद रखना है। भुजंग चूर्ण एक ऐसा रासायनिक रसायन है जो सामान्य तौर पर ऑक्सीडेशन के माध्यम से रंगों या दाग धब्बों को हटाता है, तो यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो मिश्रण नहीं है यह बताना है, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। पवन कुशवाहा जी, बाबूलाल जी, तो क्या है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का? निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? ग्रेफाइट, कांच, पीतल, इस्पात। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का वह क्या है? चार विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग आंसर बताएं जल्दी से। तो आपके यहाँ पर राइट आंसर है कि निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है, तो आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर एक, बिल्कुल सही। सभी लोग यहाँ पर ज्यादातर लोग ये बता रहे हैं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर एक, ग्रेफाइट आपका सही आंसर है विकल्प नंबर एक। ग्रेफाइट कार्बन का शुद्धतम एवं स्थायी आतृप्त है, इसकी जो है यह भी आपके लिए याद रखना है, यह कार्बन का शुद्धतम एवं स्थायी आतृप्त है ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, बारूद होता है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का सभी लोग आंसर बताएंगे। बारूद होता है तो क्या है इसका राइट आंसर? अनिल जी, क्वेश्चन नंबर 19, तत्व, यौगिक, मिश्रण या तरल। तो चार विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग यहां पर आंसर बताएंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं, और सभी लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है आपके लिए। और इसका राइट आंसर क्या है कि बारूद होता है, तत्व है, मिश्रण है या तरल है? तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा राजा राजपूत जी, वह आपका विकल्प नंबर क्या है राइट आंसर? सी, बिल्कुल सही। चंदन जी, हाँ, तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, मिश्रण, मिश्रण आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, सभी लोग यहाँ पर बता रहे हैं सी। बारूद एक विस्फोटक रासायनिक मिश्रण है, यह भी आपके लिए याद रखना है। इसे गन पाउडर या अपने काले रंग के कारण काला पाउडर भी कहते हैं इसको, तो यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कोयला है, तो कोयला क्या है यह बताएं सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे यहाँ पर। कोयला क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या कोई नहीं, कुछ नहीं? क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर, तो सभी लोग आंसर बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर एक, यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर एक, तत्व है, तत्व आपका यहाँ पर राइट आंसर है। कोयला क्या है? तत्व है, आपके लिए याद रखना है विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हीरा है, तो हीरा क्या है यह बताना है, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हीरा है, तो क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या तरल है? चार विकल्प हैं आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे यहाँ पर। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़े। अरविंद जी, तो इसका राइट आंसर क्या है? हीरा है, तो हीरा क्या है यह बताना है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा क्या है विकल्प नंबर कौन सा होगा? बिल्कुल सही, सभी लोग यहाँ पर ए बता रहे हैं, तत्व तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा हीरा है, तो तत्व तो विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही सभी लोग ने बताया। केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों को तत्व तो कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन, सिलिकॉन, कार्बन आदि। हीरा एक पारदर्शी रत्न है, यह रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है, यह भी आपके लिए याद रखना है। हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु चार अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर जो है बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा है? तो यह बताना है किसने कहा है, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। चार विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग एक विकल्प का चयन करेंगे यहाँ पर, तो सभी लोग आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, यह किसने कहा है, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर।
तो इसका जो राइट आंसर है भाई क्या है, तो भाई है आप यहाँ पर विकल्प नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, कणाद ने, कणाद आपके यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, ऐसा सर्वप्रथम कहा था कणाद ने, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में यौगिक कौन सा है, यौगिक बताना है, पारा है, ओजोन है, वायु है, अमोनिया है, तो चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर यहाँ पर बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सभी लोग आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में यौगिक कौन सा है यह बताना है, तो आपके यहाँ पर राइट आंसर क्या है, पारा है, ओजोन है, वायु है, अमोनिया है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह है क्या है, विकल्प नंबर डी। यहाँ पर जो है अधिकतर लोगों ने बताया डी आपका राइट आंसर है, अमोनिया। अमोनिया बिल्कुल सही, अमोनिया यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है, अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल सही, हाँ अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक तत्व बताना है, तत्व कौन सा है, अभी आपने पढ़ा है ऊपर, तो बताइए कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 24 का सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से कौन सा एक तत्व है, चार विकल्प हैं, सभी लोग आंसर बताएंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24। और इसका जो राइट आंसर है वह आपका होगा विकल्प नंबर कौन सा है यहाँ पर राइट आंसर, तो आपका राइट आंसर है हीरा, बिल्कुल सही, हीरा आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, हीरा है, एक क्या है तत्व, तो है याद रखना है हीरा। अगला क्वेश्चन है, वायु निम्न में क्या है, तत्व तो है, यौगिक है, मिश्रण है, या इनमें से कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे सभी लोग, क्या है क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर, बिल्कुल सही, सभी लोगों ने आंसर सही बताया था। अब इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर देखिए कि वायु निम्न में क्या है, चार विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग एक विकल्प का चयन करें, सभी लोग करेंगे यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर क्या है इसका राइट आंसर, वायु निम्न में क्या है, तो आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर, बिल्कुल सही, सभी लोग यहाँ पर सी बता रहे हैं, सी सी सी, हाँ बिल्कुल सही, सी आपके यहाँ पर राइट आंसर है, मिश्रण, मिश्रण आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी। वायु वस्तुतः गैसों का मिश्रण है, जिसमें अनेक प्रकार की गैसें जो है इसमें पाई जाती हैं, तो यह भी आपके लिए याद रखना है, जारक, प्रांगार, द्विजारे, नाइट्रोजन, उद्जन इत्यादि शामिल हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा रासायनिक यौगिक है, यहाँ पर आपके लिए अब रासायनिक यौगिक बताना है, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26, वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया, या पारा, तो क्या है इसका राइट आंसर, नितिन जी क्या है इसका सही आंसर, सभी लोग बताएंगे, और वीडियो को एक बार लाइक कर लें सभी लोग, और इसका राइट आंसर है कि निम्न में कौन सा रासायनिक यौगिक है, तो जो रासायनिक यौगिक है वह है आपका विकल्प नंबर कौन सा है यहाँ पर राइट आंसर, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी अमोनिया जो है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में मिश्रण है, तो मिश्रण क्या है आप बताइए क्या है यहाँ पर मिश्रण, चार विकल्प हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताना है, निम्न में मिश्रण है, तो सभी लोग बताएंगे क्या है मिश्रण, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़े, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाएं। और यहाँ पर जो राइट आंसर है क्या है कि मिश्रण, निम्न में मिश्रण है, तो आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पर विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, इस्पात, इस्पात आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी, याद रखना है आपके लिए।
विकल्प नंबर बी होगा यहाँ पर राइट आंसर। इस्पात लोहा कार्बन तथा कुछ अन्य तत्वों का मिश्र धातु है, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्या है कि शुद्ध तत्व कौन सा है, शुद्ध तत्व बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर, शुद्ध तत्व कौन सा है, कांच है, सीमेंट है, सोडियम है या इनमें से कोई नहीं। तो शुभम यादव जी क्या है इसका राइट आंसर कि शुद्ध तत्व कौन सा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 और चार विकल्प है आपके सामने, एक विकल्प का आप चयन करें। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है सोडियम, सोडियम यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है सोडियम। सोडियम एक रासायनिक तत्व है और एक आवर्त सारणी के प्रथम मुख्य समूह का दूसरा तत्व है, यह भी आपके लिए याद रखना है। इस समूह में धातुगण विद्यमान है। अगला क्वेश्चन है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है, तो एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में किसमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताएंगे यहाँ पर सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 29 का शुभम जी क्या इसका राइट आंसर शुभम यादव जी कि खनिज यौगिक या खनिज मिश्रण या प्राकृतिक तत्व या कोई नहीं। चार विकल्प है आपके सामने, सभी लोग आंसर बताएं। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में किस में मिलता है, तो आपके यहाँ पर जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का वह आपका होगा यहाँ पर विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है प्राकृतिक तत्व, बिल्कुल सही विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है, तो यह क्वेश्चन डबल हो गया है और इसका सभी लोग आंसर बताएं क्या इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है और आज का आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों की मात्र से विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से जो बना पदार्थ है वह कहलाता है तत्व कहलाता है, यौगिक कहलाता है, मिश्रण या ठोस। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा यौगिक, यौगिक आपका यहाँ पर सही आंसर है। यौगिक वे पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित समानुपात संयोग से बनते हैं, यह आपके लिए याद रखना है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर कौन सा बी यहाँ पर राइट आंसर है। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया, चार विकल्प हैं आपके सामने, आंसर आपके लिए कमेंट में बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी लोग बताएंगे हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया है, चार विकल्प हैं, कमेंट में आंसर सभी लोग बताते जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया है। तो आपके यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्या है विकल्प नंबर बी में, सिको सर की आपका जो है राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए इगोर इवानोविच सिकोसरकी रूस में जन्मे थे जो अमेरिका विमानन क्षेत्र में अग्रणी थे। इन्होंने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया और 1919 में इन्होंने इस संयुक्त राज्य अमेरिका में आने के बाद सिकोसरकी में जो है 1923 में सिकोसरकी एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की। तो यह भी आपके लिए यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दो कि रडार के आविष्कारक थे तो कौन थे। क्वेश्चन नंबर दो का सभी लोग आंसर बताएंगे क्या है क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर, चार विकल्प है आपके सामने, सभी लोग बताएं क्वेश्चन नंबर दो है यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर। रडार के आविष्कारक हैं तो थे कौन थे, तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर क्या है यहाँ पर राइट आंसर, विकल्प नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर डी यहाँ पर डी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है टेलर एवं यंग, आपके यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर डी।
डी होगा यहाँ पर पवन जी, रीना जी आपका डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए रडार एक वैज्ञानिक उपकरण है, रडार का आविष्कार टेलर व लियो यंग ने वर्ष 1922 में किया था, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नोबल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबल के नाम से शुरू हुआ जिन्हें जिन्होंने खोज की थी, तो आपके लिए बताना है किसकी खोज की थी इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे सभी लोग, हवाई जहाज की, टेलीफोन की, सेफ्टी लैंप की या डायनामाइट की। तो 3-4 विकल्प है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे दिव्या जी, नरेंद्र जी, नितिन जी, संध्या जी। क्या इसका राइट आंसर कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से जो है नोबेल के नाम से दिन जो है शुरू हुआ इन्होंने खोज की थी, तो इन्होंने खोज की थी, आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है डायनामाइट की। डायनामाइट आपके लिए याद रखना है, डायनामाइट विकल्प नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर बताया, यहाँ पर डी आपका सही आंसर है। 21 अक्टूबर 1833 में स्वीडन के स्टॉकहोम में पैदा हुए अल्फ्रेड नोबेल को डायनामाइट की जो खोज है का श्रेय इन्हीं को जाता है दिया जाता है जिन्होंने माइनिंग की दुनिया में क्रांति ला दी। अगला क्वेश्चन है कि क्या है तलित चालक के आविष्कारक हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी लोग आंसर बताएं क्या है इसका राइट आंसर। 4 विकल्प है आपके सामने, सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे क्या है राइट आंसर कि तलित चालक के आविष्कारक हैं, तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी बेंजामिन और फ्रैंकलिन जो हैं यह तलित चालक के आविष्कारक हैं, यह आपके लिए याद रखना है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 3 राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही बताया यहाँ पर सोनू जी ने, विकल्प नंबर सी पवन जी राइट आंसर है। देखिए तलित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तलित चालक एक धातु की चालक छड़ होती है जिसे ऊंची भवनों की छत पर आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन टीवी का आविष्कार किसने किया था, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे कि टेलीविजन टीवी का आविष्कारक जो है कौन है। 4 विकल्प है आपके सामने, सभी लोग आंसर बताते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सभी लोग आंसर बताएं यहाँ पर टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका कौन सा होगा यहाँ पर राइट आंसर डी, आपका यहाँ पर राइट आंसर है डी, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा जे एल बेयर्ड आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। टीवी या टेलीविजन एक दूरसंचार माध्यम है जो बहुआयामी ध्वनि युक्त चलचित्रों को प्रेरित करने के लिए उपयोग में किया जाता है। और यहाँ पर देखिए स्कॉटलैंड के जॉन लॉजी बेयर्ड मैकिनियल इंजीनियर थे, इन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया। और क्या है यहाँ पर देखिए 1928 में बेयर्ड टेलीविजन डेवलपमेंट कंपनी ने पहला ट्रांसलांटिक टेलीविजन प्रसारण किया था, तो यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, 4 विकल्प हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, सुमन यादव जी, रीना जी, तो सभी लोग बताएं एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का वह है आपका क्या है, विकल्प नंबर कौन सा होगा यहाँ पर राइट आंसर बी, आपका राइट आंसर है रोंटजन आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया, रोंटजन आपके यहाँ पर सही आंसर है। सौरभ जी आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, रोंटजन आपका सही आंसर है। एक्सरे का आविष्कार जो है यहाँ पर देखिए विलहेल्म रोंटजन ने किया था, यह आपके लिए याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताना है सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर,
तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर। चार विकल्प हैं आपके सामने, न्यूटन, जेम्स वॉट, रदरफोर्ड और गैलीलियो। तो टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, क्वेश्चन नंबर 7। और चार विकल्प हैं आपके सामने, तो सभी लोग इसका आंसर जो है कमेंट में लिखेंगी। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है विकल्प नंबर वह है डी, गैलीलियो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर डी। बिल्कुल रंजीत जी, बिल्कुल सही आंसर है गैलीलियो। गैलीलियो विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी बताया यहाँ पर, उनका राइट आंसर है, हाँ बिल्कुल सही। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। गैलीलियो गैलीली जो है इटली के वैज्ञानिक थे, एक महान जो है आविष्कारक थे तथा दूरदर्शी के विकास में उनका अतुलनीय योगदान और सहयोग था इनका। तो यह आपके लिए गैलीलियो जी के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का, सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। हवाई जहाज बताना, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? चार विकल्प है आपके सामने, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आरती जी क्या इसका राइट आंसर कि हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो आपके यहाँ पर सोनू राठौर जी, आपका यहाँ पर राइट आंसर है कि हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर क्या है राइट आंसर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, क्या है? राइट ब्रदर्स विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही विकल्प नंबर डी है आपका यहाँ पर राइट आंसर। यहाँ पर देखिए राइट बंधु ऑरविल जो है और बिल्बर, यह जो दो अमेरिकन बंधु थे जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कारक माना जाता है, इनको हवाई जहाज का आविष्कारक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गैस इंजन की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे, गैस इंजन की खोज किसने की थी? चार विकल्प है आपके सामने, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताएंगे। क्या है इसका राइट आंसर, सभी लोग बताएं, गैस इंजन की खोज किसने की थी? चार विकल्प है आपके सामने। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी आपके लिए, तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए सभी लोग, पीडीएफ वहीं पर आपके लिए उपलब्ध कराई जाती है टेलीग्राम ग्रुप में। और इसका राइट आंसर क्या है कि गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर सी, आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, डेमलर आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही, यहाँ पर सी होगा आपका राइट आंसर, रवीना पाटीदार, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, डेमलर। देखिए डीजल इंजन की खोज, डीजल ने जो है सेफ्टी लैंप की खोज डेबी ने, और कार्बोटेर और गैस इंजन की खोज डेम्पलर ने की थी, तो यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की, परमाणु बम का विकास किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 का, यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर कि क्या है कि परमाणु बम का विकास किसने किया है? तो चार विकल्प हैं आपके सामने, एक विकल्प का आपके लिए यहाँ पर चयन करना है, तो सभी लोग जल्दी से कमेंट में आंसर बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, परमाणु बम का विकास किसने किया? तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह होगा, क्या होगा सभी लोग बताएंगे यहाँ पर, और इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, बी आपका राइट आंसर है, जे रॉबर्ट ओपेन हीमर, यह आपका जो है राइट आंसर होगा, इन्होंने परमाणु बम का विकास इन्होंने किया, विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया, बिल्कुल सही यहाँ पर बी आपका राइट आंसर है। विश्व के इस पहले नाभिकीय हथियार का आविष्कार अमेरिका मूल के वैज्ञानिक जो है कौन, रॉबर्ट ओपेन हाइमर इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? तो प्रक्षेपास्त्र का विकास बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का, सभी लोग यहां पर राइट आंसर बताएंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 है और चार विकल्प हैं आपके सामने, तो सभी लोग आंसर बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर कि प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया?
तो क्या होगा इसका राइट आंसर? खुशी जी, सोनम जी, तबीना जी, नैना जी। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का, प्रेक्षेपास्त्र का विकास किसने किया, आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर एक। यहाँ पर सही आंसर है एक आपका बबीता जी, राइट आंसर है विकल्प नंबर एक। क्या है? बर्न बॉन ब्रान आपका यहाँ पर राइट आंसर है, इन्होंने प्रेक्षेपास्त्र का जो है विकास किया है। विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम बताना है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया, क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर और चार विकल्प है आपके सामने, चार विकल्प है आपके सामने। और हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया, बर्न वॉन ब्रान या जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर या एडवर्ड टेलर या सेमुर क्रे। तो इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प हैं और क्वेश्चन नंबर 12 का आपके यहाँ पर राइट आंसर है वह है क्या, विकल्प नंबर सी, एडवर्ड टेलर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही बताया यहाँ पर, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, एडवर्ड टेलर। विकल्प नंबर सी, हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम परमाणु बम का एक किस्म में है, हाइड्रोजन बम या एच बम भी कहते हैं इसको, अधिक शक्तिशाली परमाणु बम होता है जिसमें हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम की आवश्यकता पड़ती है। तो यह भी आपके लिए याद रखना है, परमाणु के संलयन करने से बम का विस्फोट होता है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर लेजर का आविष्कार किसने किया था, लेजर लिखा है यहाँ पर तो सभी लोग यहाँ पर सुधार लें, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएंगे, चार विकल्प हैं आपके सामने। तो बताइए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, लेजर का आविष्कार किसने किया, रंजीत पाल जी, आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का? तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी, आपका राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर? विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी में आपका यहाँ पर क्या है, देखिए टी एच मेनन आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा, लेजर विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रबंधन है इसका जो है संक्षिप्त नाम है। प्रत्यक्ष वर्णक्रम की विद्युत चुंबकीय तरंग यानी प्रकाश उत्तेजित उत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा संवर्धित एक सीधी रेखा की किरण में बदलकर उत्सर्जित करने का तरीका होता है, यह आपके लिए याद रखना है। और देखिए इस प्रकार निकली प्रकाश किरण को भी लेजर किरण भी कहा जाता है, इसका आविष्कार टी एच मेनन ने किया था। तो टी एच मेनन आपके लिए यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्या है इसका राइट आंसर कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, सभी लोग बताएंगे यहां पर। क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, चार विकल्प है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। और इसका जो राइट आंसर होगा कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया वह किया था किसने, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, नॉल और रूस का आपका यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर एक जिन्होंने ही बताया है उनका यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल सही, विकल्प नंबर एक जिन्होंने ही बताया है उनका राइट आंसर है नॉल और रूस का आपका सही आंसर है। इसका आविष्कार जर्मनी के अंटरस्ट रूस का ने 1921 में किया था। अब जरा यहाँ देखें कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अंदर होता क्या है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए इसको, जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, सुमेलित नहीं है यह बताना है, क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग आंसर बताएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर? निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है क्या है, विकल्प नंबर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है, हाँ तो विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी आपके यहाँ पर सही आंसर है, जे पार्किंस
पेनिसिलियन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति हैं, तो बताइए कंप्यूटर का जनक किसको यहाँ पर बताना है। कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति हैं तो कौन है वह व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 16 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर सभी लोग बताएं। चार विकल्प है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, सभी लोग बताएं कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाला वाले व्यक्ति हैं तो कौन है। आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर एक। विकल्प नंबर एक यहाँ पर सही आंसर है, बेवेज। बेवेज आपका यहाँ पर विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी बताया है उनका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है और चार्ल्स बेबेज का जन्म 26 नवंबर 1791 में हुआ था, आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया, तो जेट इंजन बताना है क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया है। चार विकल्प है आपके सामने, सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। अजय जी, नरेंद्र जी, रानी जी, नितिन चौहान जी, क्या इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया, तो सभी लोग बताएंगे यहाँ पर। और इसका राइट आंसर है कि जेट इंजन का आविष्कार किया है तो वह क्या है आपका, विकल्प नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी, बी यहाँ पर जिन्होंने बी बताया है उनका राइट आंसर है फ्रैंक। फ्रैंक जो थे इन्होंने क्या किया है, जेट इंजन था जो इसका आविष्कार किया है, तो आपके लिए याद रखना है विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोफोन का आविष्कार किसे, आविष्कारक किसे माना जाता है, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 18 का सभी लोग आंसर बताएंगे। सौरभ जी क्या है इसका राइट आंसर, कि माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है। चार विकल्प है आपके सामने, सभी लोग आंसर का चयन करेंगे यहाँ पर। माइक्रोफोन का आविष्कारक माना जाता है तो आपका राइट आंसर होगा, क्या है राइट आंसर, विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, एमिली बर्लिनर आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी बताया उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, वर्सु जी, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्कूटर के आविष्कारक हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्कूटर, स्कूटर के आविष्कारक बताना है। चार विकल्प हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 19 का सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। नैना चौहान जी, कांति जी, क्या है इसका राइट आंसर, कि स्कूटर के आविष्कारक कौन है। चार विकल्प है आपके सामने, सभी लोग आंसर बताएंगे। नरेंद्र अहिरवार जी, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर जल्दी से बताएं कि स्कूटर के आविष्कारक कौन है। और क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह आपका क्या है, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, एक। बिल्कुल सही बताया यहाँ पर, एक आपका ब्राड सो आपके यहाँ, ब्राड सा आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी बताया है उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर एक। अगला क्वेश्चन है क्या है कि नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता है, तो नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर राइट आंसर, बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताते जाएं जल्दी जल्दी से। क्या होगा अलका जी इसका राइट आंसर, कि नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है। चार विकल्प हैं आपके सामने और आंसर आपके लिए एक विकल्प का चयन करना है यहाँ पर। और सभी लोग यहाँ पर वीडियो को एक बार लाइक कर लें, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। और क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर राइट आंसर है क्या है आपका, राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी एनरिको फर्मी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है यहाँ पर। और अगली क्लास जो है आपकी इसके बाद 5:30 बजे, 5:30 बजकर 30 मिनट पर आपकी अगली क्लास है, इसमें इंडिया का जीके लाया जाता है आपके लिए। वहां पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि वायरलेस का आविष्कार किसे माना जाता है, तो आविष्कारक किसे माना जाता है वायरलेस का, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताना है यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 21। तो क्या है इसका राइट आंसर कि वायरलेस का आविष्कारक किसे माना जाता है। चार विकल्प हैं आपके सामने, एक विकल्प का चयन करना है। और सभी लोग आएंगे अभी 5:30 पर जो क्लास होगी इंडिया जीके की, उसमें सभी लोगों को आना है। और वायरलेस का आविष्कारक किसे माना जाता है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका क्या है, आपका राइट आंसर विकल्प नंबर एक। विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, मार्कोनी आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर एक। हाँ बिल्कुल सही, जिन्होंने भी ये बताया उनका राइट आंसर है। इटली के वैज्ञानिक थे है मार्कोनी, और इन्होंने वायरलेस टेलीग्राफी के विकास में किए गए इनके योगदान हेतु वर्ष 1909 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। तो 1909 भी आपके लिए याद रखना है, भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे 1909 में। अगला क्वेश्चन है, क्या है माउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है। क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा, चार विकल्प है आपके सामने। तो बताइए कि माउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है, कौन थे, वाटरमैन या पार्कर या चेल पार्क या सेफर। तो रंजीत जी क्या है इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 22 इसका राइट आंसर यहाँ पर बताना है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है वह आपका विकल्प नंबर एक। क्या है विकल्प नंबर एक में, वाटरमैन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर है, भर्तृ प्रजापति जी विकल्प नंबर एक। यहाँ पर देखिए माउंट टेन पेन एक के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यह एक युक्ति है, जिसका आविष्कार सन 1884 में अमेरिकी जो आविष्कारक कौन थे, एडसन वाटरमैन ने इन्होंने किया था। इसका आविष्कार है आपके लिए याद रखना है। और वाटरमैन न्यूयॉर्क में स्थित वाटरमैन पेन कंपनी के संस्थापक भी थे। अगला क्वेश्चन है क्या है विल अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए यहाँ पर कि विलहेल्म रोंटजेन ने आविष्कार किया था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताना है यहाँ पर, विलहेल्म रोंटजेन ने आविष्कार किया था। तो किसका किया था, चार विकल्प हैं, रेडियो का, एक्सरे मशीन का, या विद्युत बल्ब का, या विद्युत मोटर का। तो इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं, और आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह क्या है क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर, तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, एक्सरे मशीन जो है इसका जो है आविष्कार किया था रोंटजेन जी ने। तो याद रखना है विकल्प नंबर, हाँ बिल्कुल सही वर्षु प्रजापति जी, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि टाइपराइटर के आविष्कारक हैं तो कौन है। क्वेश्चन नंबर 24 का सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, चार विकल्प है आपके सामने कि टाइपराइटर के आविष्कारक कौन हैं, तो इसका राइट आंसर बताना है आपके लिए क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 बबली जी, नितिन जी, रानी, तो क्या इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का कि टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है, तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है रवीना जी वह है आपका विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी आपका सोल्स आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए टाइपराइटर एक यंत्र है जिसका प्रयोग कागज पर कोई पाठ टाइप करने के लिए किया जाता है। टाइपराइटर का आविष्कारक क्रिस्टोफर सोलेज और कॉर्लेस जो ग्लिंडन थे, इन्होंने इसका जो है आविष्कार किया था टाइपराइटर जो यंत्र था। अगला क्वेश्चन है कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हैं, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है इसका राइट आंसर कि सेफ्टी लैंप लैंप है जो इसके आविष्कारक है तो कौन है। चार विकल्प हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25, और सभी लोग यहाँ पर वीडियो को एक बार लाइक कर लें, बहुत ही कम लोग वीडियो को लाइक करते हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक कर लें और सभी लोग आंसर बता दें चाहे क्वेश्चन नंबर 25 का।
और रोज अपनी ए क्लास होती है कितने बजे, 4:05 पर, रोज 4:05 पर। और पीडीएफ आपके लिए जो है वह मिलती है टेलीग्राम ग्रुप में, तो टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है आपके लिए, तो टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाएं। और जो सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हैं वह हैं आपका विकल्प नंबर बी, यहाँ पर डेबी, डेबी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है डेबी, डेबी आपके यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 26, चार विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग एक विकल्प का चयन करेंगे। हेमराज जी, तो क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर, कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया, क्वेश्चन नंबर 26 है और चार विकल्प हैं आपके सामने, और इसका जो राइट आंसर है आपका वह है विकल्प नंबर एक, यहाँ पर राइट आंसर होगा थॉमस एल्वा एडिसन, आपका यहाँ पर विकल्प नंबर एक जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर होगा एक, यहाँ पर बिल्कुल सही राकेश जी, एक आपका यहाँ पर राइट आंसर विकल्प नंबर एक। खास तो देखिए यहाँ पर आमतौर से ये थॉमस जो है इनको बल्ब का आविष्कारक माना जाता है, हालांकि इसमें मतभेद और विवाद भी है, कुछ लोगों का यह विचार है कि एडिसन ने सिर्फ उसकी संकल्पना परिकल्पना की थी और असल में बल्ब का आविष्कार जो है अन्य वैज्ञानिक ने किया था, तो इसमें थोड़ी सा क्या है मतभेद विवाद है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का बताना है क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे यहाँ पर 28 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, चार विकल्प है आपके सामने, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जो इसका आविष्कार किसने किया, तो किसने किया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा नीतू जी, कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया, तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा एकर्ट एवं मोसली, आपके यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर एक, आपके यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए एनीएक की कल्पना और डिजाइन पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के जॉन मॉचली और जे जो है प्रेस पर एकर्ट द्वारा की गई थी, तो यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राडार का आविष्कारक कौन था, तो सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर, डबल हो गया क्या यह क्वेश्चन, तो सभी लोग बताएंगे 29 का राइट आंसर बताना है कि राडार का आविष्कारक किससे माना जाता है, चार विकल्प हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताना है और सभी लोग बताएंगे यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर, और आपका राइट आंसर यहाँ पर कि रडार का आविष्कारक कौन है, तो वह है आपके कौन है विकल्प नंबर एक, आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर एक, रॉबर्ट वाटसन आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा रॉबर्ट वाटसन, रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन ने स्कॉटलैंड में 1930 में किया था, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मशीन गन का आविष्कार किसने किया, किसके द्वारा किया गया था, तो क्वेश्चन नंबर 30 है और आज का यह आखिरी प्रश्न है, तो सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे, क्या है इसका राइट आंसर, कि मशीन गन का आविष्कार किया गया था, तो जे एल वेयर्ड द्वारा या जी ब्राउस द्वारा, कॉल बेंज द्वारा, जेम्स पकल द्वारा, चार विकल्प हैं और सभी लोगों को यहाँ पर अभी चार जो है 5:30 पर एक जो इंडिया जीके की क्लास होगी इसमें सभी लोगों को आना है, चार जो है कितने बजे, 5:30 पर, और इसका राइट आंसर क्या है, मशीन गन का आविष्कार किया गया था, तो किसके द्वारा, आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, जेम्स पकल द्वारा, विकल्प नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल सही, यहाँ पर लाला बाना जी, विकल्प नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। मशीन गन को सर्वप्रथम ब्रिटेन के सर जेम्स पकल ने सन 1718 में जो है मशीन गन की खोज की थी, आपके लिए याद रखना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, यहाँ पर